मैं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रस्सू से मिलने के लिए बाकी गया होता है हॉस्पिटल। उसके बाद वो घर जाता होता है और सोचता होता है कि ये अपोनेंट कितना अच्छा है, अगर तुम हारोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। तो यार मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने पिकल आर्क के कुछ एपिसोड ऑलरेडी बना रखे हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना ये वाला एपिसोड आपको समझ में नहीं आने वाला है। खैर अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोपो रुची जो है बर्फ के टुकड़े के सामने खड़े होते हैं अपने डोजो में, तभी अचानक से वो उसे मारते हैं और वो बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद हमें वहाँ पर एक मेटल की वायर देखने को मिलती है छोटी सी। उसके बाद उसे अचानक से डोपो रुची एक चॉप मार देते हैं और वो कट जाती है, और ये देख कर वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डोपो को एक कॉल आया होता है और उसमें उसे बताया जा रहा होता है कि रस्सू जो है हार गया है, साथ ही साथ उसका राइट लेग और शोल्डर भी खा लिया गया है उसके अपोनेंट के द्वारा। तभी डोपो उसे पूछते हैं कि अभी वो कैसा है, तो उसे पता चलता है कि अभी वो ठीक है और हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन डोपो ये सब बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कासुमी और डोपो रुचि की बीच बातें हो रही होती है रस्सू की हार को लेकर। तभी डोपो कासुमी से कह रहे होते हैं कि जैसे ही इन दोनों की फाइट खत्म हुई पिकल ने उसे अपना फूड समझ लिया। ये सब सुनकर कासुमी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, वो बिल्कुल चौंक गया होता है। उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया होगा उसने। तभी कासुमी जोर से चिल्ला कर कहता है, ये सन ऑफ अ बिच पिकल, तूने रस्सू को खाया? हाँ, वो रस्सू को खाना चाहता था। हाँ खैर अब मैं उसे खाऊंगा बहुत बड़े बड़े पीसेस में। उसके बाद वो नीचे झुकता है और कहता है, आप अभी भी नहीं समझे फादर, मैं पिकल को खा जाऊंगा चबा चबा के। डोपो ज्यादा कुछ तो नहीं कहते, कहते हैं ठीक है कासुमी। तभी हम देखते हैं कि रस्सू की हार के बारे में सभी को पता चल गया होता है, सभी जान गए होते हैं और चौंक गए होते हैं, उनके लिए यकीन करना मुश्किल होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा लोहे का गेट टूटा फूटा पड़ा होता है जो कि टोक्यो डोम अरीना का ही होता है, और वहाँ पर टोकुगावा भी खड़े होते हैं। वो कहते हैं वो भाग गया, वो बाहर आखिरकार निकल ही गया। तब हमें पता चलता है कि वो पिकल की बात कर रहे हैं और पिकल बाहर बैठकर नजारों का मजा ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्ट्रीट में चल रहा है एक पर्सन के बारे में बताया जाता है। उसकी हाइट 7 फीट होती है, वो बहुत ही अच्छा होता है बॉक्सिंग में और कराटे में, वो चैंपियन ना होते हुए भी एक चैंपियन होता है, और इन सब के साथ साथ वो एक वेट भी लिफ्टिंग करता है जिससे उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी बनी होती है। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो एप्पल को अपने एक ही ग्रिप से आराम से तोड़ सकता है। जरा सोचिए उसकी ग्रिप कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तभी वो रोड में चल रहा होता है और सबसे अलग दिख भी रहा होता है क्योंकि वो इतने बड़े शरीर का जो होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से चलते चलते एक गली की ओर जाता है, और तभी वो उस गली में जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वो वहाँ सुसू करने के लिए गया हुआ है। वो वहाँ पर सुसू करने लगता है, बड़े ही आराम से वहाँ पर सुसू कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब सा होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि आसपास कोई है, कोई उसे देख रहा है। पर तभी हम देखते हैं वो अपने ध्यान को बटाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ पकड़ने की आवाज़ आती है और वो नीचे देखकर बिल्कुल चौंक ही जाता है। और जैसे ही सीन बदलता है तभी हमें पता चलता है कि उसके औजार को किसी ने पकड़ा रखा होता है बहुत ही कस के, बहुत ही कस के। उसके औजार से अभी भी बिल्कुल पेशाब निकल रहा होता है, अब खून भी निकलना शुरू हो गया होता है, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खींच लिया जाता है उसी कचरे के ढेर में जहाँ पर वो पेशाब कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उन्हीं कचरों के ढेर में बिल्कुल गायब सा हो जाता है, इतने बड़े शरीर का आदमी बिल्कुल गायब हो जाता है उनके बीच। तभी हम देखते हैं कि वो कचरे के ढेर में से कोई निकलने की कोशिश कर रहा होता है और निकल कर खड़ा हो जाता है। हमें अचानक से ही उस पर्सन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा लगने लगता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा वन एंड ओनली पिकल होता है। हमें पता चलता है कि पिकल ने जो है उसके सारे कपड़े ले लिए हैं, अंदर ही अंदर पूरी तरह से बदल लिए हैं, और वो स्ट्रीट में चलने लगता है। लोग भी उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि इसकी हाइट तो देखो यार। तभी हम देखते हैं कि वो मन ही मन सोच रहा होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारा खाना भी है, एकदम बहुत सारा मीट है यहाँ पर। उसके जूते भी अच्छे से फिट नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कलर है, ये जगह बहुत कलरफुल है और स्काई वैसा ही है। तभी वो ऐसे सोचते सोचते चलने लगता है और देखने लगता है वहाँ के आसपास के माहौल को। उसके जरासिक वर्ल्ड से तो वो बिल्कुल अलग ही होता है। वो जरासिक एरा जहाँ पर वो इतने बड़े बड़े डायनासोर से लड़ा करता था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया करता था अपने खाने के लिए। पर उसे भूख तो अभी भी लग रही होती है, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए उसे पता नहीं होता है, लेकिन इसलिए वो शांति से चलता चला जाता है और आसपास देख रहा होता है यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है रस्सू से अपने फाइट के बाद,
रेसु की फाइट के बाद उसे उसका लेग मिला था, लेकिन वह उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। हम ये भी समझ सकते हैं कि रेसु की पूरी बॉडी को अगर वो खाता तो हो सकता है कि उसका पेट पूरी तरह से भर जाता, लेकिन फिर भी अभी वो बिल्कुल भूखा होता है, रोड में चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो चलते चलते रोड के बीच में आ चुका है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ट्रक आ रही होती है। तभी अचानक से बिना देरी किए वो ट्रक उसे बहुत जोर से मार देती है, जिससे उसका हालत ही खराब हो जाता है। बिल्कुल उसके पीठ में लगा होता है ये वार। वो हवा में उड़ते हुए कहीं दूर जाकर गिरने लगता है और ऐसे ही उसके ट्रक को भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें उसकी पूरी बॉडी की छाप पड़ चुकी है। इन सब के बाद बिल्कुल अचानक से ट्रक का ड्राइवर बाहर निकलता है और वो पिकल को देखने के लिए जाता है और उससे पूछने लगता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन पिकल शांति से जमीन में लेटा हुआ होता है। उसके बाद वो हंसता है और ऐसे ही अजीब हंसी के बाद वो धीरे धीरे करके उठने लगता है। सब सोच रहे होते हैं कि इसे तो मर जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये अभी भी उठ रहा है। हम इसमें देख ही रहे होते हैं कि पिकल कितने गुस्से में होता है। वो धीरे धीरे करके उठ रहा होता है। सभी ये देखकर चौंक गए होते हैं। पिकल बहुत शांति से उठता है और तभी अचानक से वो जोर से मूव करता है और वैसे ही पिकल खड़े होता है। और हम देखते हैं कि पिकल को धीरे धीरे अपने पुराने एनिमी की याद आने लगती है। लोग उसे पूछ ही रहे होते हैं। इतने में ही वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो दौड़ते दौड़ते जाता है और बहुत ही जोर से ट्रक को एक हाथ मार देता है। पिकल बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो ट्रक को लगातार मारे जा रहा होता है। वो अपनी हंसी बिल्कुल दे रहा होता है। हम समझ सकते हैं कि वो कितने गुस्से में है। उसके बाद वो लगातार ट्रक को इतना मार देता है कि ट्रक की हालत ही खराब हो जाती है। वो बिल्कुल पचक जाती है चारों तरफ से। ट्रक की हालत एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो गई होती है। उसमें जो भी सामान होता है वो भी बिल्कुल अंदर ही रखा हुआ होता है, लेकिन ट्रक की हालत बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई होती है। तभी हम देखते हैं पिकल थोड़ा सा रुकता है और ट्रक को मोड़ने लगता है। वो उससे बिल्कुल किसी खिलौने की तरह खेल रहा होता है। वो उस ट्रक के आगे के हिस्से को मोड़े जा रहा होता है। उसका ड्राइवर भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी अचानक से पिकल जो है वहाँ जोर लगाने लगता है और सब के सब देख रहे होते हैं। तभी एक ऐसा वक्त आता है, ऐसा सीन आता है कि पिकल आखिरकार इतने बड़े ट्रक को आधा उठा लेता है और बिल्कुल सब देखकर चौंक गए होते हैं कि आखिर ये कैसे कर सकता है एक इंसान। वो बहुत जोर से उसे आगे की ओर पटकता है और ट्रक का जो आधा हिस्सा होता है वहाँ ही रह जाता है और आधा हिस्सा जमीन में गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रक का कंटेनर पीछे रखा हुआ है। पिकल वहाँ पर बहुत जोर से दौड़ता है और उसे भी एक लात मार देता है जोर से, जिसके कारण उसका दरवाजा और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे इसे खींचने लगता है और तोड़ने लगता है। वो उसके दरवाजे को बिल्कुल तोड़ मरोड़ रहा होता है किसी पेपर की तरह। तभी अचानक से अंदर से भाप आने लगती है। लोग गौर करते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो ट्रक जो है बिल्कुल मीट से भरा हुआ होता है। इन सब के बाद पिकल बिना देरी किए उस मीट को खाना शुरू कर देता है। वो उसे चबा चबा के खा रहा होता है और सबके सामने स्ट्रीट में वो उसे लगातार खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ कासुमी जो अपने डोजो में ट्रेनिंग कर रहा होता है अकेले में। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। वो बिल्कुल पसीने में सराबोर हो गया होता है। वो जगह पूरा पसीने से भर गई होती है। तभी वो आराम से 3-4 पंचेस मार देता है उस सैंडबैग के ऊपर। इन स्लो पंचेस का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं सैंडबैग के ऊपर बहुत ही आसानी से। उसके बाद वो थोड़ा सा सांस लेता है और जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ये जीरो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इन सब के बाद तभी सीन बदलता है और हमें देखने को मिलता है कि वो फोन में किसी से बात कर रहा होता है। इन सब के बाद वो बात करता ही रहता है। तभी अचानक से टेबल में हाथ पटकता है और कहता है कि मैं नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं बन पाया। मेरे फादर जो है वो सारे स्कूल को संभालते हैं, वही लीडर हैं, लेकिन फिर भी मुझे हराना होगा किसी एक ऐसे को जिससे मुझे पता चल सके कि मैं ग्रैंड मास्टर बनने के काबिल हूँ कि नहीं। लेकिन ये पिकल कैसा रहेगा? तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ बिल्कुल टूटी फूटी हालत में वही ट्रक पड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर पुलिस आ चुकी है। उसने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया होता है उस जगह को। तभी हमें पता चलता है उसके ड्राइवर से कि उसने एक बहुत ही बड़ा मीट का टुकड़ा खाया हुआ है। वो ड्राइवर से भी पुलिस वालों को बता रहा होता है कि वो अचानक से कहीं से आया और उसने बहुत सारा मीट भी खा लिया और पूरे ट्रक को भी तोड़ दिया। तभी सीन थोड़ा सा चेंज होता है और हम देखते हैं कि डोजो में कासुमी खड़ा होता है अपने स्टूडेंट के सामने और उन्हें बता रहा होता है कि किस तरह से रेस्यू को अपना बहुत कुछ खोना पड़ा है पिकल से फाइट लड़ने की वजह से। उसने हमारे भाई रेस्यू को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, उसे अपना एक पैर खोना पड़ा है और शोल्डर में भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। इसी के साथ साथ बाहर के जो सिटी के लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है जब तक पिकल बाहर घूम रहा है। इसके बाद वो अपने सभी स्टूडेंट से कहता है कि सिटी में फैल जाओ और उसे ढूंढो। उसके सारे स्टूडेंट चिल्ला कर कहता है कि हाँ हम उसे ढूंढेंगे, हम करेंगे। उसके बाद वो सभी के सब निकल जाते हैं अपने अपने काम पर।
तभी हमें पता चलता है कि कात्सुमी कितना अच्छे से डोजो को संभालता है और एक बहुत ही अच्छा लीडर मटेरियल भी है जो आगे चलकर बहुत अच्छा लीडर बन भी सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो है पिकल से कह रहा होता है कि हे तुम पहली बार आए हो यहाँ, चलो मैं तुम्हें कुछ गुड टाइम्स दिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कात्सुमी का एक आदमी उसे देख लेता है और वो फोन कर बताता भी है कि हाँ मैंने उसे ढूंढ लिया है सर, वो इस वक्त मेरे सामने है, मैं उसे रोक के रखूंगा। तो यार यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो यार आखिर में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर और भी बहुत ज्यादा मांगा एक्सप्लेन हम करने वाले हैं, जो भी आप कहें जो भी आप बोलें, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो अब हम वीडियो यहीं पर रैप अप करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम